आई रियली हेट दिस मूवी। और ये मुझे लाया था तो इसको तो मैं गाली दूंगा बाद में। राजू हिरानी का जो मैजिक है वो मिसिंग है। मेरा तो दिमाग का दही हो गया मूवी में देखकर। बकवास, टोटली रबिश, डिस्गस्टिंग, 1.5 स्टार रेटिंग। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। डंकी कहानी स्टार्ट होती है बड़ी ही मौज मस्ती से, हंसी मजाक से, जो डायरेक्टर चाहते थे कि हो, लेकिन स्क्रीन पर वो हो नहीं पाया। जोक्स हजार बार सुन रखे थे। और कमाल की बात ये है, ओनली वन गाय, दैट इज विकी कौशल, जो फर्स्ट हाफ में शाइन करता है। शाइन बोले तो आ हा हा, सैड सीन हो, हंसी मजाक वाले सीन हो, गुलाटी गुलाटी मतलब कि बॉम्बे रानी उनका एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, वो दो लोग तो किल कर दे रहे, बाकी भाई साहब शाहरुख खान नहीं कर पाए किल। पहले हाफ की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पता चल गया कि क्या करेक्टर, सारे करेक्टर ग्रो हो गए और फिर भाई साहब अपने चले जाते हैं, विकी कौशल सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उनके अपने रीज़न है विदेश जाने वाले, और अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दिए कि भाई इस रीज़न से भी विदेश जाना है, तो वो चीज़ थोड़ी ना कम पच रही है। और जैसे सेकेंड हाफ आता है, शाहरुख खान स्क्रीन ले लेते हैं विकी कौशल से, बिकॉज इज नॉट देयर, और उसके बाद अनरियलिस्टिक गोल दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, वो जाना आना जाना, वो पच नहीं रही यार चीज़ें, ठीक है। और कई कई जगह पर ईमानदार से बताऊँ, शाहरुख खान वॉज लाइक प्लास्टिक, थोड़ा बहुत ट्रेलर में भी दिखे थे लेकिन मूवी में कई जगह, बाकी जगह नहीं दिख रहे, लेकिन कई जगह जो डी एजिंग का लगाया था उन्होंने, CGI था कि क्या था, AI, मजा नहीं आया। कुल मिलाकर बात ऐसी है, सलार जैसे बड़े पर्दे पर आती है भाई ये घर चली जाएगी, टंकी का ना टंकी बन जाएगा। बाकी आप बताओ आपकी राय, अगर आपने देख ली हो तो। मिलता हूँ बाकी, चल बाय बाय।